अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ और मैंने सोचा बहुत देर से सलाला के मौसम के बारे में आप लोगों को अपडेट्स देती रहती हूँ तो आज कुछ लाइफ की अपडेट्स देती हूँ कि क्या सीन ऑन है आज था जो जुम्मे का दिन और सुबह सुबह मैं उठ गई थी और मैंने सोचा घर वाले जब तक सो रहे हैं तो मैं सारी ग्रोसरी वगैरह कर लेती हूँ ताकि आज घर का नाश्ता करेंगे तगड़ा सा क्योंकि नॉर्मली हम लोग बाहर से ही ब्रेकफास्ट करते हैं फिर छुट्टी वाले दिन ये होता है कि घर का ब्रेकफास्ट जो है वो आराम से करते हैं तसल्ली तो से और सारा सामान मैंने खरीद लिया था मार्केट वगैरह से नहीं खरीदती हूँ मिलता है ना उससे तो लाख गुना बेहतर होता है मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है हमारे घर वाले भी यही पसंद करते हैं खाना इसका पाकिस्तान वाला टेस्ट आता है ग्रोसरी बहुत ज्यादा थी तो बड़ी मुश्किल से मैं खींचते रुते हुए घर पर पहुंच गई जो है ना अपनी मामा को इधर बैठ के और उसके मामा जो है ना वो नाश्ता बना रही है और नेमल जो है ना इधर वी 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 लगाई हुई है क्यों तंग करी हो उठाऊं उठाऊं अच्छा उठाती हूँ आज 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 नेमल की रोटी कितनी छोटी सी है ये नेमल की रोटी है जितनी नेमल है ना उतनी उसकी रोटी है और ये नेमल की मामा की रोटी है साइज के हिसाब से रोटी बनाई हुई है हुँ? चलो आओ खाना खाए का, खाना खाते हैं ये सारा सामान अभी हमने सेट करना है पहले है खाना खा लिया उसके बाद ये सारी ग्रोसरी जो इधर फैली हुई है ना इसको हम लोग सेट करके रखेंगे ठीक है ठीक है ठीक है? ओ इसको नहीं पसंद आ रहा ओके ओ सॉरी बेबी सॉरी। <laughs> एंटी कैमरा पुफी की तरह एंटी कैमरा ये इसका भी कैमरे में नहीं है आना ओके बंद कर दिया ये लो ये लो ये लोड ट्रेंडी हो वैसे इसको भी ओपन कर लेते हैं मैं सुबह उठा कि इसके इधर रखी गई थी ग्रॉसरी करने चली गई थी और अभी इसको अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ और उसके बाद घर की रूम की क्लीनिंग श्लिनिंग करते हैं तो ट्रेंडी वॉल से मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं कि मेरी भाभी मुझे ना छेड़ती है कहती है आपने तो पूरा जहेज़ इकट्ठा कर लिया अपना अब बात वैसे गलत नहीं है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ऑर्डर की और इनकी क्वालिटी भी मतलब अच्छी होती है रीज़नेबल होती है और ऑफर्स वगैरह डिस्काउंट्स भी यहाँ पर लगते रहते हैं हैर शलाल में जो इतना खूबसूरत आजकल मौसम है उसके हिसाब से ये जो क्या कहते हैं इसको टी पॉट कहते हैं ग्लास का ये बहुत प्यारा से हर जगह से मिलता है लेकिन यहाँ पर भी लगा हुआ था तो मैंने इधर से ऑर्डर कर लिया ये बड़ी काम की चीज़ है क्योंकि वीडियोग्राफी जो करते हैं जो लोग बाहर आउटिंग पे जाते हैं उनके लिए जो है ना वो बड़ी एक प्यारी सी क्यूट सी चीज़ है और मुझे एक कॉफी मग चाहिए था वो भी मैंने ग्लास के स्ट्रॉ वाला ऑर्डर किया था और ये थे बूट्स बहुत टाइम से मुझे चाहिए थे और मेरी भाभी ने पहले ऑर्डर किया और फिर मुझे बहुत पसंद है उसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी ऑर्डर कर लेती हूँ ये लास्ट ऑर्डर था जो मैंने प्लेस किया था क्योंकि मेरे घर पर अब जगह ही नहीं है कुछ रखने की तो मैंने कहा ओके ये लास्ट ऑर्डर है और उसके साथ ही साथ मैंने और भी जो चीज़ें मुझे जरूरत थी जिन चीज़ों की पहले मैंने ऐसे रैंडमली ऑर्डर कर दी थी जो मुझे अच्छी लग रही थी थी ऑलरेडी मेरे पास थी फिर भी मैंने ऑर्डर कर दी लेकिन मैंने कहा ये लास्ट ऑर्डर है तो जो चीज़ें मुझे एग्जैक्टली exactly चाहिए ना मैं वो वाली चीज़ें ऑर्डर करती हूँ तो फिर उसमें कुछ लेदर के बेल्ट थे क्योंकि ये जो ऐप है ना वो तुर्की की ऐप है तो तुर्की में विंटर कलेक्शन बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सर्दी का मौसम ही रहता है और लेदर भी बहुत अच्छी मिलती है तो मैंने विंटर के लिए कुछ शर्ट्स और कुछ स्वेटर्स वगैरह ऑर्डर कर लिए मैंने कहा वैसे भी मैं ट्रैवल करती रहती हूँ किसी ना किसी ऐसी कंट्री में जाती हूँ पाकिस्तान में भी जाती हूँ तो कभी हम लोग सर्दी के मौसम में चले जाते हैं तो विंटर इधर भी हम लोग सलाला में रहते हैं ना तो यहाँ पर गर्म मौसम ही होता है तो वो वो सर्दियों वाले कपड़े पहनने की नौबत ही नहीं आती लेकिन जब हम लोग मार्केट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऑफर्स लगी होती हैं तो देख के रहा ही नहीं जाता बंदा ख़रीद लेता है और अलमारियाँ फुल हो जाती है जगह ही नहीं होती यहाँ पर बंदा पहन भी नहीं सकता तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जितनी भी मैंने विंटर कलेक्शन अपने पास इकट्ठी की हुई है ना सारी मैं पैक करके कार्टन में साइड पर रख दूँगी और जब कभी मौका मिलेगा किसी ऐसी जगह पर जाने का जहाँ पर ठंड होती है तो वहाँ पर यूज़ कर लेंगे और ये कुछ टी शर्ट्स थी जो मैंने ऑर्डर की तो ये सबसे ये जो ग्रे कलर की आपको दिखा रही हूँ ना ये स्वेटर इसको बैगी टाइप स्वेटर कहते हैं बड़ा ही प्यारा सा मस्तार सा कंफर्टेबल था लेकिन यही है कि हम लोग की ना जो ये मिडिल ईस्ट में लोग रहते हैं ना उनके सर्दियों वाले कपड़े पहनने की हसरत ही रह जाती है बस देख देख के हम लोग खुश होते रहते हैं और घर पर ही ए में पहन के घूमते रहते हैं ये खलारा मैंने इतना डाल दिया था अब सफाई करनी थी मैंने रूम्स क्लीन किया और उसके बाद मैंने कहा आज फ्राइडे है नाश्ता तो अच्छा की है आज बिरयानी क्यों ना बनाई जाए मज़ेदार सी घर पे मैंने फ़ोन किया बाजी से मैंने रेसिपी ली वो बम्बई बिरयानी नाम से कोई बिरयानी बनाती है और वो बहुत मज़े की होती है खलारा इतना डल जाता है जब भी आप बिरयानी बनाते हैं ना तो ये बिरयानी बनाने वालों को भी पता होता है कि इसका कितना ज़्यादा खलारा पड़ जाता है इतना सामान काटना पड़ता है और पूरी शेल्फ़ बड़ी हुई थी मैंने कहा कोई नहीं यार एक दफ़ा बिरयानी बन जाए इसको स्टीम पर लगाऊँ की और साथ ही साथ जो है ना मैं सारे काम ने डालूंगी कभी कभी ना मेरे अंदर एक आत्मा आ जाती है जो मुझे कहती है है कि कि बस फटाफट सफाई कर लो कभी कभी इतनी ज़्यादा लेजीनेस हो जाती है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता यकीन जाने इतनी लेजीनेस हो जाती है कि रूम गंदा पड़ा हुआ किचन गंदा पड़ा हुआ है तो बंदा कहता है कि कोई नहीं यार है ये कौन सा किसी ने हमारे घर पर आना है जब दिल करेगा तब कर लेंगे क्लीन आ, लेकिन बिरयानी बनाने की कोशिश जो मैंने की थी ना उसमें मैं कामयाब हुई थी आप यकीन जाने इतने मजे की बिरयानी बनी थी ना सही पाकिस्तान वाला टेस्ट आ रहा था खुशबू आ रही थी और जैसे बिरयानी बाजी बनाती हैं जैसे मैंने उसे रेसिपी ली थी वो ही टेस्ट था और चावल इतने खिले खिले और अलग अलग एक एक चावल का दाना था ना जो वो अलग अलग था है बिरयानी खाई और मैं सो गई और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अंडे ये अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट जो था ना घर पे थी क्योंकि फ्राइडे भी ऑफ होता है और सैटरडे भी ऑफ होता है तो सैटरडे वाले दिन मैं उठी तो मैंने कहा यार अभी पराठे नहीं खाऊंगी कुछ लाइट सा खा लेती हूँ फिर मैंने दो अंडे बॉयल किए और बस चाय के साथ जो है वो मैंने यही नाश्ता किया ये अभी जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना ये मैंगो नहीं है ठीक है ये मैंगो नहीं है ये मेरे इमोशंस हैं ये मेरे जज्बात हैं जो कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती तीन चार दिन से मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पाकिस्तानी आम खाने की सही है लेकिन जब से मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ ओमान में दुबई में इधर उधर मतलब मेरे ख्याल से पाँच छः सात साल हो गए नस्ली जो आम होते हैं ना वो मुझे खाने को मिले ही नहीं है स्पेशली वो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के नाम पे आते हैं बहुत सारे मैंगोज दैट्स नॉट दैट्स नॉट स्वीट इनफ लेकिन दिस इज गिफ्ट वन ऑफ माई फ्रेंड सरप्राइज मी सेंडिंग मी दिस दिज एंड आप यकीन जाने मुझे रोना आ गया ये नहीं कि मैंने इतने सारे आम एक साथ कभी देखे नहीं है रोना मुझे इस बात पे आ गया इमोशनल होगी मैं इमोशनल होगी मैं कि इतना मेरा दिल था यार पाकिस्तानी मैंगो खाने के लिए आई वाज प्लानिंग टू गो टू पाकिस्तान फिर मुझे फ्लाइट बुक करनी पड़नी थी और मैंने पाकिस्तान जाना था मैंगो खाने के लिए बट मैंगो खुद चल के मेरे पास आ गए एंड आई एम फीलिंग सो मच हैप्पी टू सी मैंगो जब ये थोड़े से सख्त है हार्ड है इनको रखेंगे दो तीन दिन में साथ साथ पकते रहेंगे और फिर खाएंगे एक तो मैं अभी खाऊंगी डेफिनेटली चाहे कच्चा होगा चाहे पक्का होगा बट दीज आर नॉट मैंगोस दीज आर माई इमोशंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन गिन के रखूंगी सो <laughs> so, हम लोग जो प्रदेश में रहते हैं ना हम लोग के लिए ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं तो बस परदेशियों का ये भी मसला है कि उनको वीडियोस देख देख के ना तो मुंह में पानी आता रहता है कि पाकिस्तानी मैंगोज़ मिले तो हम खाएं तो अब मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा था इनको पकने का क्योंकि ये पाकिस्तान से जब सप्लाई होते हैं तो ये कच्चे ही पैकिंग कर देते हैं क्योंकि अभी प्रोसेस होने होते हैं मार्केट्स में जाने होते हैं तो उतनी देर में पक जाते हैं लेकिन ये अभी तक पके नहीं हुए थे हंड्रेड लेकिन फिर भी मैंने खा लिए इट वॉज नाइस मीठे अब बात कर लेते हैं जी आईफोन की मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पर तो काफ़ी मुझे डी आए थे क्या सीन चल रहा है आप कौन सा फ़ोन सेल करिए कौन सा आपने ख़रीदा है तो जी ये मेरा फ़ोन आई फोन थर्टीन प्रो मैक्स टू फिफ्टी सिक्स जी बी था और मैं अपना फोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ हर वक्त फ़ोन यूज़ कर रही होती हूँ ड्रामे भी इसमें देखती हूँ एडिटिंग भी इसमें करती हूँ व्लॉग्स भी इसी में बनाती हूँ टिकटॉक्स देखती हूँ तो इसकी बैटरी हेल्थ है ना जो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी ऑलमोस्ट एटी फाइव एटी सिक्स परसेंट थी तो मैंने कहा इससे पहले कि इसकी हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाए तो ये बिकेगा भी नहीं अच्छी प्राइस भी नहीं मिलेगी तो मैं इसको अभी सेल कर देती हूँ और इसमें से जो पैसे आएंगे उसमें और पैसे ऐड करके तो मैं अपना मोबाइल अपडेट कर लेती हूँ इकोनॉमिकल सोच है भैया लोगों की ये नहीं है कि <laughs> मतलब बंदा ये नहीं कि ऑलरेडी एक फ़ोन है तो एक और फोन ख़रीद लें ऐसा नहीं है इसको सेल करेंगे और फिर इसके पैसों में और पैसे मिला के ले लेंगे है मैंने अब आईफ़ोन फिफ्टीन प्रो मैक्स लिया फ़ाइव वन टू जी बी तो उसकी प्राइस भी अभी मतलब अच्छी चल रही है क्योंकि आईफोन 16 आने वाला अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है तो जब वो लॉन्च हो जाएगा तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा इसकी प्राइस डाउन हो जाएगी खैर मैंने अच्छे एक जगह से ख़रीदा तो मतलब मुझे अच्छी प्राइस में मोबाइल मिल गया अलहमदुल्लह अभी मेरा वो जो टू फाइव सिक्स जी बी थर्टीन था वो सोल्ड आउट हो गया और अभी मेरा नया फ़ोन अपडेट हो गया जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आज फर्स्ट वे लोग मैं पोस्ट कर रही हूँ अपने नए फ़ोन से और ये तो था जी मेरी सारी लाइफ की अपडेट्स क्या सीन चल रहे हैं आज कल जो है वो आ, बस कुछ खास नहीं चल रहा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं सलाला में तो हम लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं बस वीकेंड्स पर ही है थोड़ा बहुत और अभी अगस्त के एंड तक सारे टूरिस्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से लोग अपने अपने घरों में चले जाएँगे स्पेशली क्योंकि स्कूल से छुट्टियाँ हुई हो होती हैं तो लोग ट्रैवल करके इधर आ जाते हैं अभी अगस्त एंड पे सारे स्कूल्स ओपन हो जाने हैं और फिर सलाला जो है ना वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट पे आ जाएगा जहाँ पे हमें लेस ट्रैफिक मिलेगी और जो है वो बारिश तो वैसे ही खत्म हो गई है अभी अगस्त स्टार्ट हो गया है अभी सूरज भी निकलता है और व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं और सारी वाटरफॉल्स जो हैं वो एक्टिव हो गई हुई हैं आप यकीन जाने मैं किसी भी जगह पे नहीं गई हालाँकि ज बहुत नज़दीक नज़दीक टूरिस्ट स्पोर्ट्स हैं ना वहाँ पे भी मैं नहीं जा सकी क्योंकि एक तो ट्रैफिक की वजह से दूसरा मुझे रश में ना क्राउड में इतना पसंद नहीं है घूमना फिरना तो मैंने कहा चलो ये सारा सीन जो ऑफ हो जाएगा ना फिर हम लोग इन्जॉय करें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो एग्ज़िबिशन्स भी लगी हुई हैं जिनमें बहुत प्यारे प्यारे अबाया कलेक्शनस हैं बैग्स हैं ये सारी चीज़ें हैं इस पर मैं आपको व्लॉग बनाऊँगी और दिखाऊँगी सारी चीज़ें यहाँ की लोकल मार्केट यहाँ की चीज़ें तो तब तक रश भी कम हो जाएगा और अच्छे से मैं जो है ना वो टाइम भी मिल जाएगा आजकल थोड़ा ऑफिस में भी काम होता है तो बस जो है ना वो यही सीन चल रहा है बाकी लाइफ सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे भी छोटी छोटी नेमतों पे भी हमेशा जो है ना वो खुश रहना चाहिए खैर किचन के काम सारे मैंने ख़त्म कर लिए थे और जुम्मे वाला दिन था तो शाम को मैंने कहा चलो यार यार थोड़ा सा अब बाहर जाती हूँ फ्रेश होने के लिए क्योंकि सारा दिन कमरे में बैठ बैठ के ना वैसे ही आपकी मत बच जाती है और थोड़ी सी फ्रेश एयर चाहिए होती है तो ये यहाँ का हाफा बीच जैसे लाल में सबसे पीसफुल सब सबसे प्यारा सबसे मेरा पसंदीदा जगह है ये अगर आप पूछेंगे सल अला में मेरी फेवरेट जगह कौन सी है तो मैं आपको यही कहूँगी कि हाफा बीच वहाँ पर जाके आप बैठ जाए पुरसकून और बड़ा ये एक अच्छी वाइब होती है लेकिन यहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा रश था आवाम ही अवाम थी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी क्योंकि यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगी हुई है और यहाँ पर मच्छर भी नहीं होता और हवा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी टेम्परेचर भी कोई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स के करीब था और यकीन जाने यहाँ पर बैठी हुई थी अब आया मैंने पहने हुआ था मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने कहा अच्छा अपनी विंटर कलेक्शन यहीं पर यूज़ करनी चाहिए थी मैंटली प्रिपेयर हो कि नहीं मैं बाहर आई के यहाँ पर ठंड होगी खैर ये तो था जी आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़